हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विशी और आप देख रहे हैं बॉर्न टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो निफ्टी के ऊपर है। निफ्टी का हम टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे, उससे हम आइडिया लगाएंगे कि निफ्टी का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। और दोस्तों हम क्या कर रहे हैं कि पहले पूरा इंडिकेटर के ऊपर पहले एक सीरीज बना रहे हैं, बाद में हम क्या है कि स्ट्रेटेजी के ऊपर एक सीरीज बनाएंगे। अगर अच्छा रिस्पांस मिला तो हम क्या है कि जो अपनी प्राइस एक्शन है उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। सो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अब हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर। तो पहले हम देखेंगे कौन से इसके सपोर्ट लेवल है, कौन से इसके रेजिस्टेंस लेवल है। तो पहले जो मैं लॉन्ग टर्म सपोर्ट की बात कर रहा हूँ तो वो कौन सा होगा, तो ये जो मेरी क्या है कि ये जो राइजिंग सपोर्ट लाइन है वो इस पर अगर कहीं नीचे आके इधर कहीं अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि मैं लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन को ड्रॉ करता हूँ। बाद में ये क्या है कि हॉरिजॉन्टल लाइन रो करता, तो जो पहली लाइन होगी तो ये नीचे की साइड होती है, लेकिन वो बहुत दूर है तो वो हम उसको बाद में देखेंगे। अभी हाल फिलहाल के लेवल से नीचे अगर मेरे को पहला सपोर्ट चाहिए, देखो मैं पहले क्या है कि सपोर्ट के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, तो देखो ये इसका लास्ट हाई था, मतलब ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन था, तो उससे थोड़ा नीचे रह के ये फिर से रिवर्स हो चुका है, तो हम क्या मानते हैं कि नहीं अभी इसमें क्या है कि थोड़ी सी गिरावट हम देख सकते हैं, ऐसा हम सोच रहे हैं। तो क्या है कि चलो मैं रेजिस्टेंस के बारे में बोल देता हूँ, तो मेरी रेजिस्टेंस लाइन वही है 12,100 जो पहले थी, वही अभी तक मेरी रेजिस्टेंस लाइन वही है। वहाँ 12,000 का एक लेवल था, थोड़ा हार्ड लेवल था, उसको ब्रेक करके नीचे आ गया, लेकिन जो मेरी मेन रेजिस्टेंस लाइन है वो 12,100 है। अभी रेजिस्टेंस के बारे में बात हो गई तो अब हम चलते हैं सपोर्ट के बारे में बात। तो मेरा इधर से पहला सपोर्ट होगा वो 11,700 होगा। देखो 11,700 क्यों, पहले तो इधर इसने क्या है कि इधर से नीचे आया था, बाद में देखो ये नीचे आया तो इधर से इसने क्या है फिर से नीचे आया था, तो एक लेवल लग रहा है कि मेरे को नहीं कि 11,700 पे क्या है कि सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। अगर ये इसको भी ब्रेक करके नीचे चला गया तो मेरा दूसरा लेवल होगा वो होगा 11,500 क्यों, देखो इधर एक बार सपोर्ट लिया है, इधर एक बार सपोर्ट लिया है और ये क्या है कि गैप में भी आ रहा है, तो हो सकता है कि 11,500 के आसपास से ये फिर से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। अगर ये इसके और नीचे आता है तो मेरा तीसरा लेवल होगा वो होगा 11,100। देखो 11,100 लेवल क्यों बोल रहा हूँ, देखो ये नीचे नीचे आएगा तो ये शायद ये क्या है कि जो हमारी राइजिंग सपोर्ट लाइन है उसके भी आसपास आ जाए और जो ये हमारी क्या है कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन है उसके भी आसपास आ जाए। 11,100 और 11,000 दोनों लेवल इंपॉर्टेंट है, लेकिन 11,100 पहले आ रहा है तो वहाँ पे हम देखेंगे क्या हो रहा है। अगर थोड़ा सा नीचे जाके रिवर्सल दे देता है, मतलब एक जोन की तरह देखूंगा 11,100 और 11,000 को मैं, देखो इधर कोई रिवर्सल दे देता है, रिवर्सल देने का मतलब कोई पैटर्न ऐसी बना देता है कि जिससे हमें लगे कि नहीं ये इधर से ऊपर जा सकता है, तो हम क्या है कि इधर निफ्टी में फिर से बुलिशनेस मान सकते हैं, लेकिन वो बहुत दूर की बात है। इससे पहले आता है 11,700 का लेवल, बाद में आता है 11,500 का लेवल, तो ये दोनों लेवल जब ब्रेक करके नीचे आ जाए तब हम 11,100 से लेके 11,000 तक सोचेंगे। अभी हमने निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस तो कर लिया, अब देखते हैं इसके ऑप्शन चेन एनालिसिस क्या कहती है। पहले ही बता देता हूँ ये 14 नवंबर के ऑप्शन चेन एनालिसिस है। देखो ये क्या होता है, कल फिर से चेंज हो जाएंगे, मतलब ये वीकली एक्सपायर होता है तो कल से फिर से चेंज हो जाएंगे। पहले जो हमारी प्राइस है वो कौन सी है, तो हमारी जो प्राइस वो 11,800 और 11,850 के बीच में हम कहीं खड़े हैं। तो बाद में हम देखते हैं पहले कौन से सपोर्ट होते हैं, कौन से रेजिस्टेंस होते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस से। तो हमें कॉल साइड से रेजिस्टेंस मिलता है, पुट साइड से सपोर्ट मिलता है। तो मैं कॉल साइड देख रहा हूँ तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जहाँ होता है मैं उसको रेजिस्टेंस मानता हूँ। तो जब मैं कॉल साइड देख रहा हूँ तो मेरे को सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 12,000 पे दिख रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि ये मेरा फर्स्ट क्या है कि रेजिस्टेंस हुआ, लेकिन क्या है कि ये तो कल ही एक्सपायर होने वाला है। तो मैं देख रहा हूँ कि 11,900 पे भी एक ठीक ठाक क्या है कि अच्छी क्वांटिटी खड़ी हुई है ओपन इंटरेस्ट की, तो मतलब ये भी मेरा एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है। तो मेरा पहला रेजिस्टेंस होगा वो 11,900 होगा, बाद में दूसरा होगा वो 12,000 होगा। बाद में अगर मैं पुट साइड सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करूँ तो मेरे को एक ही सपोर्ट दिख रहा है, वो है 11,800, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये ज़्यादा टिक पाएगा। देखते हैं कल क्या होता है मार्केट में। पहले तो मार्केट को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जो लाइन में चलता है उसी पे हमें ट्रेड लेना है, वो ही सोच के हमें आगे निकलना है। लेकिन क्या है कि एक एनालिसिस होती है कि आपको एक सोच के रखना पड़ता है कि कल क्या हो सकता है, लेकिन आपको उस पर क्या है कि अड़े ही नहीं रहना, तो आपको ऐसा लग रहा है कि कल डाउन ही जाएगा। कल जब मार्केट ओपन होता है, अगर मार्केट डाउन जाने के सिग्नल देता है तभी आपको शॉर्ट करना है, ऐसा नहीं होता मैं पहले जैसे ओपन हुआ शॉर्ट कर लिया, नहीं, कभी कभी ऐसा नहीं होता, आपके एनालिसिस कभी कभी गलत हो सकती है।
तो आपको देखना पड़ेगा क्या हो रहा है लाइव में, उसी के ऊपर आपको ट्रेड लेना है। तो क्या है कि जो मेरा पहला सपोर्ट होगा वो 11,800 होगा, लेकिन मेरे को लगता है कि उसको ब्रेक करके मार्केट नीचे जाएगा। चलो ये तो हो गई सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात, अभी हम मार्केट की डायरेक्शन फाइंड करने की कोशिश करें, देखते कहाँ लॉन्ग अनवाइंडिंग हुए, कहाँ शॉर्ट कवरिंग हुआ, कहाँ लॉन्ग पोजिशन बिल्डअप हुए, कहाँ शॉर्ट पोजिशन बिल्डअप हुए। अगर मैं कॉल साइड देख रहा हूँ तो कॉल साइड मेरे को क्या है कि इधर से लेके इधर कहीं तक क्या है कि एक शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिख रही है। अभी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप होना किसे कहते हैं? आपका प्रीमियम जो है वो डाउन जाना चाहिए, आपकी चेंज इन ओआई अप जानी चाहिए, ऐसा जब होता है तो आप बोल सकते हो कि वहाँ शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई है। बाद में मैं पुट साइड देख रहा हूँ तो मेरे को जो ये जो प्राइस होती है ये इधर की प्राइस, इसमें मेरे को शॉर्ट पोजीशन कवरिंग होती हुई दिख रही है। अभी शॉर्ट पोजीशन कवर होना किसे कहते हैं? जिसमें प्रीमियम अप जाने वाला हो और क्या है कि चेंज इन ओआई डाउन जाएगा। देखो इधर प्रीमियम अप जा रहा है, चेंज इन ओआई डाउन आ रहा है, मतलब माइनस मतलब डाउन, तो इधर क्या हो रहा है कि शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। बाद में मैं इस सब प्राइस में देख रहा हूँ पुट साइड, तो मेरे को वहाँ क्या है कि लॉन्ग पोजीशन अनवाइंडिंग हुई दिख रही है। अभी लॉन्ग पोजीशन अनवाइंडिंग किसे कहते हैं? जो है प्रीमियम डाउन जाना चाहिए, जिसमें प्रीमियम डाउन जाना चाहिए। देखो इधर प्रीमियम डाउन जा रहा है और साथ साथ में चेंज इन ओआई भी डाउन जाना चाहिए। जब दोनों साथ में डाउन जाते हैं तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि लॉन्ग पोजीशन अनवाइंडिंग हुई है। अभी ये सब तो देख लिया, कहाँ लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुए, कहाँ शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुए, कहाँ लॉन्ग अनवाइंडिंग हुए, वो सब। तो इसको मार्केट से कैसे रिलेटेड करें, इससे मार्केट की डायरेक्शन कैसे फाइंड करें? अगर कॉल साइड आपको लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो आप ऐसा सोच सकते हो कि मार्केट अप जाएगा, लेकिन मेरे को कॉल साइड ऐसी कोई सिचुएशन नहीं दिख रही कि जहां से मैं ऐसा पता लगाऊं कि मार्केट अप जाएगा। अगर मैं पुट साइड देखता हूं तो अगर पुट साइड क्या है कि लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप होती है तो आप ऐसा सोच सकते हो कि मार्केट जाएगा डाउन, लेकिन मेरे को पुट साइड भी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा कि जहां से मैं बोल सकूं कि मार्केट जाएगा डाउन। हाँ, एक स्टॉक प्राइस है जो 11,800 है, वहां क्या हुआ कि लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई है, तो वहाँ एक ही प्राइस मिल रही है, तो मैं क्या है कि उसको साइड कर देता हूँ, मतलब मैं इसको इग्नोर करता हूँ कि 11,800 का एक ही लेवल है, चाहे क्या है कि लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई, तो मैं क्या है कि उसको साइड में कर देता हूँ, मैं इसको ऐड नहीं करता। मतलब पहले पॉइंट से हमें कुछ ऐसा पता नहीं चला कि मार्केट अप जाएगा डाउन जाएगा। तो दूसरा पॉइंट देखते, तो दूसरे पॉइंट में क्या होना चाहिए, अगर कॉल साइड क्या है कि शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप होती है तो आप ऐसा पता लगा सकते हो कि मार्केट डाउन जाएगा। देखो शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप होना किसे कहते हैं? प्रीमियम जाएगा डाउन, आपका चेंज इन ओआई जाएगा अप। तो मतलब देखो इधर मेरे को ऐसा सब कुछ मिल रहा है, तो ये सभी प्राइस पे मिल रहा है, तो मतलब क्या है कि मार्केट डाउन जाने के चांसेस है। अगर मैं पुट साइड देखता हूँ, अगर मेरे को वहाँ शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप देखने को मिलती है, तो मतलब क्या होगा कि मार्केट इन सिंपल अप जाएगा। लेकिन जब मैं पुट साइड देखता हूँ तो वहाँ मेरे को कोई ऐसा सिनारियो नहीं दिख रहा कि मैं वहाँ से बोलूँ कि मार्केट अप जाएगा। क्यों? प्रीमियम तो डाउन हो रहा है, लेकिन जो हमारा चेंज इन हुआ है वो डाउन हो रहा है, मतलब ये सिनारियो नहीं है। देखो ये एक एनालिसिस है, इससे आप क्या है कि एक आइडिया लगा सकते हो। आपको प्रेडिक्ट नहीं करना कि कल मार्केट डाउन ही जाएगा, मैं शॉर्ट लेके बैठ जाऊंगा, वो ये सब आपको देखना पड़ता है। मार्केट भी उस तरह से रिएक्ट करता है तो आप शॉर्ट में ले सकते हो। तो दोस्तों ये छोटा सा एनालिसिस था मेरी ओर से निफ्टी पे। अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो हम ऐसे आगे लेके आएंगे। जो हमने सोचा है कि हम क्या है कि पहले इंडिकेटर पे एक सीरीज बनाए, बाद में स्ट्रेटेजी के ऊपर सीरीज बनाए, बाद में प्राइस एक्शन भी इसमें ऐड करें, तो ये सब कुछ के बारे में आपको नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टट्टा गुड बाय, जय हिंद।